हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। हमने इससे पहले पढ़ा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग के प्रकार, अभिक्रिया वेग स्थिरांक, और इसके आगे की बात अब हम करते हैं। अगला टॉपिक आता है अणुसंख्यता। अणुसंख्यता क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। पहले मैं जनरल एग्जांपल से बताता हूँ, फिर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको। मान लीजिए किसी रिएक्शन के अंदर क्रियाकारक ए है जो उत्पाद में बदलता है, तो यहाँ क्रियाकारी अणुओं की संख्या एक है, इसलिए इसकी अणुसंख्यता एक हो जाएगी। अगर एक ही क्रियाकारक के दो अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसकी अणुसंख्यता, यहां दो क्रियाकारी एक ही क्रियाकारक के दो मोल भाग लेते हैं तो अणुसंख्यता दो हो जाएगी। अगर दो अलग अलग क्रियाकारी अणुओं के एक एक मोल अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं तो इसकी अणुसंख्यता भी दो हो जाएगी। अगर एक ही क्रियाकारक के तीन मोल परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो इसकी अणुसंख्यता क्या होगी? तीन। अगर एक क्रियाकारक ए का एक मोल और बी के दो मोल परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो भी अणुसंख्यता तीन होगी। अगर तीन भिन्न क्रियाकारक ए, बी और सी के एक एक मोल परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो इनकी भी अणुसंख्यता तीन होगी। जैसे मैं कुछ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूं, अभिक्रिया और अणुसंख्यता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के अपघटन से एक जलकाणु बनता है, साथ में नवजात ऑक्सीजन बनती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इस अपघटन के अंदर एक क्रियाकारी अणु ने भाग लिया, इसलिए इसकी अणुसंख्यता हो गई एक। ऐसे ही मान लीजिए NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट का तापीय अपघटन किया जाए तो यहां से नाइट्रोजन गैस निकलती है, साथ में दो मोल वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यहां भी एक मोल क्रियाकारी अणु ने अभिक्रिया में भाग लिया तो इसकी अणुसंख्यता हो गई एक। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन और आयोडीन ने परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया तो एक मोल हाइड्रोजन एक मोल आयोडीन तो इसकी अणुसंख्यता हो गई कुल दो। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं बात करूं ओजोन के अपघटन की तो O3 के दो अणु अपघटित होकर तीन मोल, दो मोल ओजोन अपघटित होकर तीन मोल ऑक्सीजन बनाती है, यहां एक ही क्रियाकारक के दो मोल है, अणुसंख्यता कितनी हो गई? दो हो गई। तो ये सारी संतुलित अभिक्रियाएं हैं। संतुलित अभिक्रिया में अगर किसी क्रियाकारक की परस्पर क्रिया हो या किसी एक क्रियाकारक का अपघटन हो और उत्पाद बने तो जितने मोल क्रियाकारक के भाग लेते हैं वो उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं FeCl3 प्लस SnCl2, FeCl2 प्लस SnCl4, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहां दो लगाऊं, यहां दो लगाऊं, Fe2 SN1 Cl6 और 2 8 4 और 4 8, ये संतुलित अभिक्रिया हो गई। इसके अंदर क्रियाकारी अणुओं के कितने मोल भाग ले रहे हैं? तीन, तो इसकी अणुसंख्यता कितनी हो गई? तीन हो गई। पोटेशियम क्लोरेट अगर मैं ले लूं KClO3 और इसका तापीय अपघटन कर दूं तो इसको संतुलित समीकरण लिखूंगा 3KCl प्लस 3, सॉरी यहां दो मोल लेंगे हम, यहां भी दो मोल KClO3 3O2, यहां एक ही क्रियाकारक के दो मोल है तो इसकी अणुसंख्यता हो गई दो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि NO प्लस O2 ये बनाता है NO2, अभिक्रिया को संतुलित करूं तो यहां दो लगा दूं, यहां दो लगा दूं, तो दो और एक तीन, तो ये हो गई इसकी अणुसंख्यता तीन। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या
क्रिया कारक के मोलों की संख्या जो होती है वो कहलाती है अणुसंख्यता किसी संतुलित समीकरण के अंदर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अणुसंख्यता से रिलेटेड कुछ बातें और करता हूं। तो आपने देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के मोलों की संख्या, संतुलित अभिक्रिया में क्रियाकारक के मोलों की संख्या जो होती है वो अणुसंख्यता कहलाती है। अब देखिए, जब क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है तो क्रियाकारी अणुओं के बीच में परस्पर टक्कर होती है, और इस परस्पर टक्कर के कारण ही क्रियाकारक उत्पाद में बदल पाता है। ये क्रियाकारक है और ये क्रियाकारी अणु आपस में टक्कर करेंगे, और टक्कर के कारण पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। अगर इसके अंदर क्रियाकारी अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यहां पे पार्टिकल्स का ट्रैफिक इतना हो जाएगा कि इनके बीच में होने वाली जो टक्कर है वो प्रभावी नहीं होगी। तो इस वजह से क्रियाकारक उत्पाद में आसानी से नहीं बदल पाएगा। इसलिए तीन या तीन से अधिक अणुसंख्यता वाली अभिक्रियाएं विशेष परिस्थिति में ही संपन्न होती है, ठीक है ना। सामान्यतः तीन से अधिक अणुसंख्यता वाली अभिक्रियाएं विशेष परिस्थितियों में ही संपन्न होती है, क्योंकि क्रियाकारी अणुओं की संख्या बढ़ने से प्रभावी टक्कर की संभावना घटने लगती है। तो ये हुई आपकी अणुसंख्यता। अणुसंख्यता में आपने देखा किसी संतुलित समीकरण में उपस्थित क्रियाकारक के अणुओं की संख्या, क्रियाकारी मोलों की संख्या अणुसंख्यता कहलाती है। अणुसंख्यता जो है उसके का मान तीन से अधिक बहुत ही कम संभावना में मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे मोलों की संख्या ज़्यादा होती जाएगी उनके बीच में होने वाली टक्कर की संभावना जो है वो कम होती चली जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इससे आगे की बात करते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अभिक्रिया की कोटि। इसको आप पहले थोड़ा समझिए, फिर उसके बाद में हम इसको लिखेंगे। अभिक्रिया की कोटि, या ये कहूं रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज करो बेटे कि आपके पास में एक गैस जार जिसके ऊपर निशान बने हुए हैं बराबर दूरी पर। इस गैस जार में दो गैस हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जल में नगण्य रूप से घुलती है, ये आप मान लो कि नहीं घुलती। इनको इस गैस जार में मैंने ये दो गैसें डाल के पानी से भरे हुए एक पात्र में रख दिया, और इसे मैंने रख दिया अंधेरे में। अंधेरे में मैंने इसको रख दिया, इन डार्क। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्रिया नहीं की। अब बात यह आता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया कर रही है या नहीं कर रही, इस बात का हमें कैसे पता? तो इस बात का हमें ऐसे पता कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करेंगी तो HCl बनाएंगी।
हाइड्रोजन या क्लोरीन तो पानी में नहीं घुलती, लेकिन HCl पानी में घुलता है। अगर HCl बनेगा तो वो पानी में घुलने लगेगा, यहां गैस कम होती जाएगी और ये जल का स्तर गैस जार के अंदर ऊपर चढ़ता चला जाएगा। अंधेरे में ये क्रिया नहीं हुई। जब अंधेरे में ये क्रिया नहीं हुई तो हमने इसे सूर्य के प्रकाश में रख दिया। इस व्यवस्था को हमने सूर्य के प्रकाश में रख दिया। जब हमने इसे सूर्य के प्रकाश में रखा तो क्रिया शुरू हुई। क्रिया शुरू होने से HCl बना और HCl के बनने से जल का स्तर ऊपर चढ़ने लग गया। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम यह कहता है कि किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, जैसा हमने पढ़ा था। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि प्रारंभ में यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन की मात्रा ज्यादा थी। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की मात्रा ज्यादा थी तो अभिक्रिया तेजी से होनी चाहिए, और जब अभिक्रिया तेजी से होगी तो जल का स्तर भी ऊपर तेजी से चढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे जल के ऊपर चढ़ने की दर भी कम होनी चाहिए, क्योंकि HCl के निर्माण की दर भी कम हो जानी चाहिए। लेकिन इस प्रयोग में यह देखा जाता है कि शुरू से लेकर अंत तक पानी के ऊपर चढ़ने की दर वही रहती है। इसका मतलब ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग हाइड्रोजन या क्लोरीन में से किसी की भी सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग हरेक क्रियाकारक के मोलों की संख्या पर निर्भर करे यह जरूरी नहीं है। और इसी चीज को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास CH3COOC2H5 एक एस्टर है, इथाइल एसीटेट। मेरे पास एस्टर है और मैं इस एस्टर का जल अपघटन कर रहा हूं H2O एसिडिक मीडियम में। अब मैं इसका जल अपघटन कर रहा हूं तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। एक तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, और एक बन गया आपका एथेनॉल। इस रिएक्शन में क्या देखा जाता है कि अगर मैं इस एस्टर की मात्रा को कम करूं तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, अगर एस्टर की मात्रा को बढ़ा दूं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, लेकिन जल की सांद्रता का इस अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जल की सांद्रता को कम या ज्यादा करने से अभिक्रिया का वेग नहीं बदलता। यानी यह ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल इस क्रियाकारक पर निर्भर कर रहा है, इस क्रियाकारक के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो यहां जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि अभिक्रिया का वेग जिन क्रियाकारी अणुओं की संख्या पर या मोलों की संख्या पर निर्भर करे उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि से तात्पर्य यह है उन क्रियाकारक उस क्रियाकारक के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणु परमाणु अथवा आयनों की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूं, आपके पास है N2O5, इसके दो मोल हैं और ये N2O5 अपघटित होकर
चार मोल बनाता है NO2 और साथ में बनती है ऑक्सीजन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी अणु संख्यता क्या है, तो इसकी अणु संख्यता, चूंकि दो मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इसलिए इसकी अणु संख्यता है 2। लेकिन इसकी कोटि जो है, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की अगर मैं बात करूं, तो इस अभिक्रिया का वेग जो होता है वो समानुपाती होता है N2O5 के एक मोल के। हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अभिक्रिया का वेग बराबर है K N2O5। और इस पद में, वेग को निर्धारित करने वाले पद में, चूंकि एक मोल ने भाग लिया इसलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो 1 है। ये बात समझने के लिए, पहली बात तो ये कोटि जो है ये प्रायोगिक मान है। किसी अभिक्रिया की कोटि हाफ हो सकती है, 1 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 0 हो सकती है। दूसरी बात ये कि अणु संख्यता से ज्यादा नहीं हो सकती, अणु संख्यता के बराबर हो सकती है, अणु संख्यता से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को समझाऊं, तो समझाने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी इसके मैकेनिज्म की, इसकी क्रियाविधि की। इस अभिक्रिया के पहले पद में एक N2O5 का अपघटन होता है और इस अपघटन के फलस्वरूप एक ऑक्सीजन का अणु निकलता है O2, साथ में बनता है N2O3। यह अभिक्रिया का पहला पद है, तो इसे मैं मंद पद कह सकता हूं। वेग निर्धारक पद जो है यह हमेशा कौन सा पद होगा? मंद पद। आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं मंद पद में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की, परमाणुओं की या आयनों की संख्या। सेकंड स्टेप में क्या होता है? N2O3 जो है इसका अपघटन होता है और N2O3 के अपघटन से एक बनता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, साथ में बनता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये एक तीव्र पद है, तो ये तीव्र पद है इसलिए अभिक्रिया का वेग तीव्र पद पर निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया का वेग केवल मंद पद पर निर्भर करता है। इसके बाद क्या होता है कि एक और N2O5 के साथ यहां बनने वाली NO क्रिया कर लेती है और NO जब इसके साथ क्रिया करेगी तो यहां पर नाइट्रोजन के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। नाइट्रोजन के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, तो इसलिए 3 NO2 बन जाएंगे और यह भी एक तीव्र पद है। तो आपने देखा कि मंद पद में केवल एक N2O5 ने भाग लिया इसलिए अभिक्रिया का वेग जो है समानुपाती होगा N2O5 के एक मोल पर और इसी वजह से अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है उसमें एक मोल ने भाग लिया तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो आई होप आपको अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। इससे आगे हम अभिक्रिया की कोटि के प्रकार पढ़ेंगे, उसके वर्गीकरण की बात करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।